किसी को टपकाने के फिराक में शमशाद अंसारी और मौसमी खान घूम रहे थे। खबरीलाल ने इसकी सूचना बेरो डीएसपी रजत मणिक बाखला को दे दी। सूचना मिलते ही एक्टिव मोड में आए डीएसपी ने अपराधियों का लोकेशन ट्रैक कर नरकोपी पुलिस को उन्हें दबोचने का आदेश दिया। नरकोपी पुलिस बोबरो मोड़ पहुंची। शाम के करीब 5 बजे ग्लैमर बाइक पर सवार दो लोग आते दिखे। पुलिस को देखते ही अपराधी बाइक मोड़कर भागने की कोशिश करने लगे। पहले से तैयार जवानों ने दोनों को खदेड़कर दबोच लिया। तलाशी ली गई तो शमशाद अंसारी के पास से एक लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा गोली मिली। दोनों के पास से पुलिस को 2 मोबाइल, 2 सिम, 1 टैब, पावर बैंक और कैश मिले। साथ ही रितेश सिंह के नाम का आधार कार्ड और पैन कार्ड मिला। शमशाद अंसारी बनटोली पिस्का नगड़ी का रहने वाला है। वहीं मौसमी खान बाजरा चर की डुमरी थाना नरकोपी में रहता है। पूछताछ में दोनों ने किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकारी है, साथ ही कई और जानकारी दी है। मिले इनपुट के आधार पर पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। नरकोपी थाना क्षेत्र से एक बहुत बड़े अपराध को रोका गया है, जिसमें हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग किसी व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हैं और घूम रहे हैं हथियार के साथ में। तो उसी क्रम में थाना प्रभारी और हमारी पुलिस टीम जब सत्यापन के क्रम में निकली, उसी क्रम में दो लड़के जो शमशाद अंसारी और मौसिम खान हैं, जो नगड़ी बन टोली के रहने वाले हैं, वर्तमान में मौसिम नरकोपी के चरखी डुमरी क्षेत्र में रहता था। वो लोग एक ग्लैमर मोटरसाइकिल पर सवार होते हुए आ रहा था और पुलिस पार्टी को देखकर वापस भागने लगा। दौड़ाकर उसको जब पकड़ा गया तो विधिवत तलाशी लेने के क्रम में एक अवैध देशी हथियार उसके कमर में खोसा हुआ शमशाद के, वो हम लोग प्राप्त किए हैं और उसके आधार पर कांड संख्या 11/2022 दर्ज हुआ है। साथ में हमें बरामद सामग्री प्राप्त हुई है, देशी कट्टा और एक लोडेड पिस्टल था, उसमें एक जिंदा गोली 7.62 mm का वो प्राप्त हुआ है। साथ में मोबाइल, टैब, सिम कार्ड, एक पावर बैंक और कुछ पैसे नगद मिले हैं। इसमें विशेष बात है कि एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड, जो दोनों में से किसी का नहीं था, एक अन्य व्यक्ति का हमें प्राप्त हुआ है। कोहराम लाइव के लिए बेड़ो से शिवशंकर की रिपोर्ट।